થી 10 પાંચનું પુનરાવર્તન જોઈ ગયા આ 11મો અને 12મો આ બંને પાંચનું પુનરાવર્તન આપણે આ વિડિયોમાં જોવાનું છે તો આ વિડિયોમાં આપણે શું જોવાના છે કે સૂચનાઓ જોવાના છે તો કે ખાલી જગ્યા પૂરો ત્યારબાદ છે કે અનુલેખન કરો અને ચિત્ર કે નીચે ઉસકા નામ લખો ખાલી જગ્યામાં તમારે પાઠ 11 અને 12માં જે ખાલી જગ્યા આવે તેના વિશે જોવાનું છે અને અનુલેખન કરો એટલે કે તમને જે વાક્ય આપવામાં આવ્યું હોય જે શબ્દ આપવામાં આવ્યો હોય તેને તમારે અહીંયા હોય તેવો સામે લખવાનો તેને કહેવાય અનુલેખન ત્યારબાદ તમારે તમને કોઈ ચિત્ર આપવામાં આવ્યા હશે તો તે ચિત્રના આધારે તમારે ઉપર કોષ્ટકમાં અથવા તો તમારે જાતે તેના નામ લખવાના રહેશે पाठ 11 कौन क्या करता है उसमें आपको क्या दिया है व्यवसायकार यानी कि पैसे वाले व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं आपको क्या करना है ऊपर कोष्टक में नाम दिया है उसमें से ढूंढकर आपको उसका नाम लिखना है तो पहला चित्र है किसका सैनिक का आपको क्या करना है सैनिक नीचे खाली जगह में लिखना है उसके आगे का चित्र है किसान का किसान क्या करता है किसान खेती करता है लिखेंगे हम नीचे किसान उसके बाद आगे का चित्र हमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है वो एक बच्चे को चेक कर रहा है यानी कि डॉक्टर है वो बच्चे को चेक कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे नीचे डॉक्टर उसके आगे का चित्र है एक बगीचा है उसमें एक माली है वो क्या कर रहा है पानी सींच रहा है तो हम लिखेंगे उसमें माली उसके आगे एक व्यक्ति है वो मिठाई बना रहा है मिठाई कौन बनाता है हलवाई लिखेंगे हम हलवाई उसके आगे का है चित्र एक व्यक्ति है वो कपड़े सी रहा है तो हम लिखेंगे दर्जी उसके आगे का चित्र है कोई कपड़े धो रहा है कपड़े कौन धोता है हमारा धोबी हम लिखेंगे धोबी उसके आगे का चित्र है कि एक व्यक्ति ब्लैक बोर्ड में कुछ समझा रहा है कौन समझाता है हमें छात्रों को पढ़ाता कौन है तो के शिक्षक हम लिखेंगे शिक्षक उसके आगे का चित्र है डाकिया का डाकिया क्या करता है डाक बांटता है सभी को तो हम लिखेंगे डाकिया आपको भी एग्जाम में चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखना है उसके आगे पाठ 12 है उसमें उसका नाम है सप्ताह के दिन तो आपको लिखा है पहला प्रश्न के अनुलेखन करो यानी कि ऊपर आपको जैसा दिया है वैसा ही आपको नीचे लिखना है या फिर सामने लिखना है तो पहला वार है रवि वार आपको इस तरह से लिखना होगा रवि वार उसके आगे का नाम है सोमवार हम लिखेंगे सोम वार आगे है मंगल वार उसके आगे है बुधवार उसके आगे है गुरुवार उसके आगे का वार है शुक्रवार ऊपर जैसा दिया है उसी तरह से आपको भी लिखना है नीचे उसके आगे है शनिवार उसके बाद आगे का प्रश्न है प्रश्न 2 खाली जगह भरो सप्ताह का पहला दिन खाली जगह है सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा है सबसे पहला दिन रविवार है और सबसे आखिरी दिन है वो शनिवार है कौन सा है सबसे पहला दिन रविवार और सबसे आखिरी दिन है शनिवार हम क्या लिखेंगे खाली जगह में पहला दिन उसमें लिखेंगे रविवार सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा है शनिवार उसके बाद लिखा है कि खाली जगह के पहले मंगलवार आता है खाली जगह के पहले मंगलवार आता है बुधवार के पहले कौन से वार के पहले बुधवार के पहले मंगलवार आता है हम लिखेंगे बुधवार उसी तरह आगे की खाली जगह है कि गुरुवार के बाद खाली जगह आता है गुरुवार है उसके बाद क्या आता है शुक्रवार हम लिखेंगे शुक्रवार आगे की खाली जगह है कि खाली जगह के पहले शनिवार आता है खाली जगह के पहले शनिवार आता है रविवार रविवार के पहले शनिवार आता है लिखेंगे हम रविवार
आगे है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में खाली जगह दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कितने बार है? 7 बार है। हम लिखेंगे नीचे सा त। तो आपको भी इस तरह से पुनरावर्तन करना है और एग्जाम में भी आपको इस तरह से लिखना है।